हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो प्रीवियस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन किए थे, जिनका छूट गया है वो थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर वन पार्ट टू का वीडियो पहले देख लीजिए। ऐसे में प्रीवियस क्लास में जो बताया था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। तो प्रीवियस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस किए थे। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो थर्मो मीन्स हीट या इनर्जी और डायनेमिक्स मीन्स कन्वर्जन इन डिफरेंट फॉर्म। तो व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें डिफरेंट टर्म्स बताए थे, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। तो व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है? तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर स्टडी। यूनिवर्स का वह पार्ट जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं, कहलाता है सिस्टम। और जिसको स्टडी करें उसको छोड़ करके पूरी जो ब्रह्मांड है कहलाती है सराउंडिंग। तो सिर्फ सिस्टम, होल यूनिवर्स इज सराउंडिंग। बाउंड्री क्या है? तो एक इमेजिनरी इंटरफेस जो सिस्टम और एक काल्पनिक जो रेखाएं हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर के क्या हो गई? तो यूनिवर्स। फिर बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, दैट इज द ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? तो एक ऐसे सिस्टम जिसमें मैटर और हीट दोनों के एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जैसे हॉट कॉफ़ी को अगर आप रूम में रख दीजिए तो कॉफ़ी से जो एवापोरेशन होगी, मतलब उसमें मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होती है। सेकेंड वन इज द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? तो एक ऐसे सिस्टम जिसमें हीट की एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो हो लेकिन मैटर की एक्सचेंज नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जैसे हॉट कॉफ़ी को स्टील फ्लास्क में रख दें तो दैट इज द क्लोज सिस्टम। थर्ड वन इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, मतलब एक ऐसे सिस्टम जिसमें न तो हीट न तो मैटर दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज, मतलब दोनों का में से किसी का भी आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम है हीट एंड मैटर दोनों के एक्सचेंज, क्लोज सिस्टम है हीट की एक्सचेंज मैटर की नहीं, और आइसोलेटेड सिस्टम है नाइदर हीट नॉर मैटर की एक्सचेंज। फिर बताते हैं प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज, मतलब सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या कहलाती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। दो प्रकार की प्रॉपर्टी, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कहते हैं वॉल्यूम, कम मात्रा लीजिए तो कम वॉल्यूम, ज़्यादा मात्रा लीजिएगा ज़्यादा वॉल्यूम। जितना भी एनर्जी है जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब क्या है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वह प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कहते थे डेंसिटी, डेंसिटी क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप वाटर की डेंसिटी कह दिए 1 ग्राम पर मीटर, तो एक बूंद पानी लीजिए तभी डेंसिटी 1 ग्राम पर मीटर, 1 लीटर पानी लीजिएगा तभी डेंसिटी 1 ग्राम पर मीटर, 1 बकेट पानी लीजिएगा तभी डेंसिटी 1 ग्राम पर मीटर। तो डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसी तरह से प्रेशर है, जैसे यहाँ पर रूम का प्रेशर अगर 1 atm है तो आप थोड़ा सा एयर लीजिए, आप पूरे रूम का एयर ले लीजिए, प्रेशर कितनी होगी? तो 1 atm ही होगी। उस तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अपन कहीं यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप थोड़ा सा लीजिए या पूरे रूम का लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होगी, तो ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से मोलरिटी है, मोलरिटी है, सब पता आपको ऑलरेडी, मैंने मूल कॉन्सेप्ट वगैरह बताया था मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलरिटी क्या है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉर्मलिटी क्या है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारा ऑलरेडी पहले आपको मैंने बता रखा है। फिर बताया था स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट क्या है? तो यदि सिस्टम की प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेट। मतलब सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो स्टेट ऑफ सिस्टम। फिर था आपका प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? तो चेंज इन स्टेट विच इज कम्प्लीटली डिफाइंड। प्रोसेस क्या है? तो चेंज इन स्टेट विच इज कम्प्लीटली डिफाइंड इज कॉल्ड प्रोसेस।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस बता रहे थे, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें से आपको आइसोबैरिक प्रोसेस बताए थे, आइसो मतलब सेम, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर था आपका मतलब आइसोबैरिक प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, अगर आइडियल गैस है सिस्टम के अंदर तो वहाँ पर वी अपॉन टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पी वी डायग्राम, पी टी डायग्राम, वी टी डायग्राम, ये सर आपको मैंने डिस्कस किया, आप प्रीवियस क्लासेस के आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस बताया था, आइसो मतलब सेम, कोरिंग मतलब वॉल्यूम, मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिससे चेंज स्टेट तो हो, सब कुछ परिवर्तित हो, लेकिन वॉल्यूम क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें भी आपको पी वी डायग्राम, पी टी डायग्राम, वी टी डायग्राम, ये सब आपको मैंने डिस्कस किया था। नाउ थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर टू में आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? तो आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, तो कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, मतलब सब कुछ चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम टेम्परेचर सब कुछ चेंज हो, सॉरी प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो, मतलब एक ऐसी अवस्था का परिवर्तन जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, अगर सिस्टम के अंदर क्या है, आइडियल गैस है, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पी वी इक्वल पी एन आर टी। अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो आप उसमें आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, तो ये पी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर एन इज अ कॉन्स्टेंट, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी वी अगर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, तो ये कॉन्स्टेंट हो गई, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी, मतलब P इज इक्वल टू आप कह सकते हैं सी अपॉन वी, या कह सकते हैं पी आई, या कह सकते हैं P इज इक्वल टू क्या हो गई, P इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये सी अपॉन वी, या कह सकते हैं पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या बी सी में कह सकते हैं पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, 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 मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होती है, मतलब एक ऐसा अवस्था का परिवर्तन जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अगर सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो वहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो उसमें क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नाउ इसमें पी वी, नाउ पी वी जस्ट लाइक आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस में पढ़े थे पी वी डायग्राम, वी टी डायग्राम, पी टी डायग्राम, उसी तरह से आइसोकोरिक में पढ़े, तो उसी तरह से यहाँ भी पी वी, पी वी, पी टी, वी टी डायग्राम, डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी, पी टी एंड वी टी डायग्राम। तो वट इज पी वी, पी टी, वी टी डायग्राम, तो पी वी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, पी टी डायग्राम मतलब प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, वी टी डायग्राम मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज करता है, उसे ग्राफिकली दिखला दीजिए, दैट इज अ पी वी डायग्राम। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर कैसे चेंज करता है, ग्राफिकली दिखला दीजिए, दैट इज अ पी टी डायग्राम। आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे चेंज करता है, ग्राफिकली दिखला दीजिए, दैट इज कॉल वी टी डायग्राम। तो फर्स्ट वन पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए आपको क्या करना होगा, तो एक्स एक्सिस लेनी होगी और बाई एक्सिस लेनी होगी, तो यहाँ एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये बाई एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। तो
यहाँ किस किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो किसी एक को आप बाइक्स पे ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि हमने प्रेशर को बाइक्स पे लिया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर को हमने बाई कोऑर्डिनेट मान लिया, मतलब जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगी प्रेशर इंक्रीज करेंगी, बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगी प्रेशर डिक्रीज करेंगी। उसी तरह से अगर हम एक्स वॉल्यूम ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट को वॉल्यूम ले लिए, इसका मतलब जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगी, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगी वॉल्यूम डिक्रीज करेंगी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो शुरुआत में उसका कुछ प्रेशर रहा होगा, शुरुआत में उसकी कुछ वॉल्यूम रही होगी। मान लेते हमारा सिस्टम है उसका कुछ शुरुआत में प्रेशर रहा होगा पी आई, और शुरुआत में कुछ वॉल्यूम रहा होगा वी आई। दिस वन, अब यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में जो रिलेशनशिप होती है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में वो होता है पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता, तो पी बी इक्वल टू क्या, तो कॉन्स्टेंट होती है। तो यहाँ पर ये पी इक्वल टू क्या होगी, यहाँ पी बी इक्वल टू क्या होती है, तो कॉन्स्टेंट होती है। पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, मतलब पी इक्वल टू क्या हो गई, तो सी अपॉन वी। तो यहाँ पी इक्वल टू क्या होगी, तो सी अपॉन वी। तो यहाँ पर प्रेशर को आपने कहाँ ले रखी है, तो बाई एक्सिस पर। यहाँ पर प्रेशर को आपने कहाँ ले रखी है, बाई एक्सिस, मतलब इसके एक तरह से आपने प्रेशर को क्या मान लिया है, तो बाई कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू सी। वॉल्यूम को आपने कहाँ ले रखी है, तो एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब वॉल्यूम को आपने क्या मान लिया, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये बाई इक्वल टू क्या हो गई, तो सी अपॉन एक्स। ये इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब यहाँ पर इसे इक्वेशन देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगी, अगर एक्स बढ़ता जाएगा तो बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जाना, एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जाना, बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करना मतलब ओरिजिन की तरफ आना। मतलब अगर यहाँ ग्राफ में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जाना, एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जाना। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगी तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होंगी, तो डिक्रीज करेंगी। मतलब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से हाइपरबोलिक टर्म में आएगा। दिस ये प्रेशर हो गया इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट ये फाइनल स्टेट। तो ये क्या हो गया, तो पी वी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। उसी तरह से सेकेंड वन इज द पी टी डायग्राम। ये पी टी डायग्राम क्या है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पी टी डायग्राम कहते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा तो कहलाएगा पी वी डायग्राम। थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा कहलाएगा पी टी डायग्राम। तो पी टी डायग्राम, तो पी टी डायग्राम में क्या करना होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करनी होगी। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक एक्सिस पर प्रेशर लेनी होगी, दूसरे एक्सिस पर क्या लेनी होगी, तो टेम्परेचर लेनी होगी। एक एक्सिस पर प्रेशर और दूसरे एक्सिस पर क्या करना होगा, टेम्परेचर लेना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं बाई एक्सिस पर हमने प्रेशर ले ली और एक्सिस पर क्या ले लिया, तो टेम्परेचर ले ली। शुरुआत में हमारा ध्यान दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट पर आपने एक्स एक्सिस पर आपने टेम्परेचर ली है, एक्स एक्सिस पर आपने टेम्परेचर ली है, एक्स एक्सिस पर आपने टेम्परेचर ली है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को आपने टेम्परेचर मान लिया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ना टेम्परेचर बढ़ना। बाई एक्सिस पर आपने प्रेशर ली है, बाई एक्सिस पर आपने प्रेशर लिया मतलब बाई कोऑर्डिनेट को प्रेशर मान लिया, मतलब बाई कोऑर्डिनेट बढ़ना मतलब प्रेशर बढ़ना। तो अगर मान लेते कि हमारा सिस्टम शुरुआत में कहीं रहा होगा, शुरुआत में हमारा सिस्टम कहीं पर रहा होगा सपोज यहाँ पर होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, तो चेंज स्टेट कर रहे, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि प्रेशर क्या रहे, सॉरी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, तो एक ऐसी अवस्था का परिवर्तन जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। ध्यान दीजिए, तो टेम्परेचर इस ग्राफ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कैसे होगी, जैसे यहाँ पर अगर कहीं एक्स कोऑर्डिनेट अगर वन है, एक्स इज इक्वल टू वन मतलब एक लाइन होगा ऐसे, एक्स इज इक्वल टू टू मतलब एक लाइन होगा ऐसे, एक्स इज इक्वल टू थ्री मतलब एक लाइन होगा ऐसे। तो यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट को आपने टेम्परेचर मान रखी है, इसका मतलब जो टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसी होगी, एक लाइन होगी। कि क्यों, अब देखिए इस लाइन को अगर इधर टेढ़ा करेंगे तो इधर टेढ़ा करने मतलब यहाँ से अगर मतलब इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, यहाँ से यहाँ जा रहे तो ऑब्वियसली इस लाइन पर ही चलना होगा तभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगी। अगर आप चेंज इन स्टेट करें और थोड़ा इधर टिल्ट कर जाएं, थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो जाएं, तो टेम्परेचर घट जाएंगे, या इधर थोड़ा टेढ़ा हो जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है तो आपको क्या करना होगा, तो इसी लाइन पर चलना होगा। तो ये क्या हुआ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए
ये पीटी डायग्राम हो गया। उसी तरह से अगर आप वीटी डायग्राम ड्रॉ करिए, उसी तरह से वीटी डायग्राम मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लीजिए, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ले लीजिए। यहाँ भी क्या होगा, अगर मान लीजिए शुरुआत में इनिशियल स्टेट ये है, इनिशियल स्टेट ये है, और आप टेम्परेचर को बढ़ाएं, सॉरी यहाँ पर तो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब सब कुछ चेंज हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो इसका मतलब हमें क्या करना रखना होगा, जब सब कुछ यहाँ पर, यहाँ से अगर हम यहाँ गए तो सब कुछ चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, यहाँ से आ गए सब कुछ चेंज हो गया टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, यहाँ से आ गए सब कुछ चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, यहाँ से आ गए सब कुछ चेंज हो गया टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया। मतलब जो वी टी डायग्राम होगा क्या होगा, एक लाइन होगा जो पैरेलल होगी किसके, तो वॉल्यूम एक्सिस के। तो ये हो गया आपका क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, तो टी कॉन्स्टेंट होगी। अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो वहाँ पर आप पी वी कॉल टू एन आर टी आप लगा लीजिए, तो वहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो पी वी कॉल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टी कॉन्स्टेंट, या सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो पी वी कॉल टू कॉन्स्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर पी वी पी टी वी टी डायग्राम अगर ड्रॉ करें, पी वी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, यहाँ पर वोल्टिक टाइप का आया है, और बेसिक पी टी डायग्राम मतलब प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, एक लाइन आया है इस पर क्या है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। वी टी डायग्राम मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, एक लाइन आया है। तो बेसिक वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन को देखना होता, मेन कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ इस पर क्या है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, इस पर क्या है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। या सो थर्मल प्रोसेस के, ठीक है, इसको नोट करिए। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस, तो व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट इंट्रैक्शन, एक ऐसी प्रोसेस में हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो, मतलब सिस्टम से ना तो कोई एनर्जी बाहर जाती हो, ना तो कोई हीट बाहर जाता हो, ना तो बाहर की कोई हीट सिस्टम के अंदर आती हो, मतलब एक ऐसी प्रोसेस मतलब सब कुछ चेंज हो लेकिन अंदर की एनर्जी, अंदर की हीट ना तो बाहर जाए ना बाहर की एनर्जी अंदर आए, एक ऐसे सब कुछ चेंज करे, प्रेशर चेंज हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा, सब कुछ चेंज हो रहा लेकिन ना अंदर की हीट बाहर जाए ना बाहर की हीट अंदर आए, तो ऐसा कोई चेंज इन स्टेट हो, ऐसा कोई अवस्था में परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो हो, मतलब अंदर की हीट ना तो बाहर जाए ना बाहर की हीट अंदर आए, तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको याद क्या रखना होगा, क्यू जीरो, क्यू मतलब हीट, हीट इंट्रैक्शन जीरो मतलब अंदर की हीट ना तो बाहर जाए ना बाहर की हीट कोई अंदर है, ना अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सको, सोचो ऐसा हो तो क्या हो, है ना, तो एडियाबेटिक हो, ऐसा क्या हो तो एडियाबेटिक हो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, तो अंदर से कोई बाहर ना जा सके, समझ में बात आई, ना बाहर से कोई अंदर आ सके, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या हो, जीरो, मतलब अंदर की हीट ना तो बाहर जाए ना बाहर की हीट अंदर आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, जब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो एक इक्वेशन आता है, दैट इज पी वी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट, जहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और गामा, और जो गामा की जो वैल्यू है वो 5.3 होती है मोनोएटमिक गैस के लिए। ऐसे गामा एक्चुअली क्या होता है, तो रेशियो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट मोलर, आगे डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे। सीधे अभी ध्यान रखें कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जब फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक हम अप्लाई करते हैं, तो एक इक्वेशन आता है, कौन सी इक्वेशन, तो पी वी टू द पावर गामा, जहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, गामा एक्चुअली रेशियो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो आपको याद क्या रखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो हो, मतलब अंदर की हीट ना तो बाहर जाए ना बाहर की हीट अंदर आए, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन का पालन होता है, तो पी वी टू द पावर गामा, जैसे आइसोबारिक में पी कॉन्स्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वी कॉन्स्टेंट होता है,
आसोथर्म में टी कांस्टेंट होता है या कि पीवी कांस्टेंट होता है, उसी तरह से एडियाबेटिक में क्या होता है, पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना होगा। तो दस इन एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है, तो पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। एडियाबेटिक में कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है, पीवी टू दी पावर गामा। तो एक दो वर्ड आपको याद रखना होगा, एडियाबेटिक में क्यू जीरो और पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। एडियाबेटिक में क्यू जीरो और पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। एडियाबेटिक में क्यू इक्वल टू जीरो और पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। एडियाबेटिक में क्यू इक्वल टू जीरो और पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होती है। तो गामा की वैल्यू कितनी होती, तो 5.3 होती है फॉर मोनोएटमिक गैस। मोनोएटमिक मतलब सिंगल एटम वाला गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या है, मोनोएटमिक गैस है। उसके लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, तो 5.3 होती है। डायटमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, तो 7.5 होती है। डायटमिक गैस जैसे दो एटम वाला गैस, दो एटम वाला गैस जैसे जैसे H2 है, H2 में क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्डेड है, तो H2 मॉलिक्यूल या O2 N2 ये सब क्या है, तो दो एटम मतलब दो परमाणुओं से बना हुआ अणु है, ये दो परमाणुओं से बना हुआ अणु है, दो परमाणुओं से बना अणु है। तो डायटमिक गैस मतलब दो एटम मतलब दो परमाणुओं से बना हुआ जो अणु है, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, ये सारे क्या है, तो डायटमिक गैस है। तो उस डायटमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी, तो 7.5 होती है। ट्राई और पॉलीएटमिक गैस मतलब तीन या उससे ज्यादा एटम से बने हुए गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 8/6 या 4/3। तो आपको याद रखना होगा गामा की वैल्यू कितनी, तो 5/3 फॉर मोनोएटमिक गैस, 7/5 फॉर डायटमिक गैस, 8/6 फॉर ट्राई और पॉलीएटमिक गैस। गामा की वैल्यू 5/3 फॉर मोनोएटमिक गैस, 7/5 फॉर डायटमिक गैस या 8/6 फॉर ट्राई और पॉलीएटमिक गैस। ऐसे गामा की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होती है ना, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी गैप गैसेस में है ना, इसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो याद रखिए एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो मतलब क्यू जीरो होगी, और इसमें पीवी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट इक्वेशन फॉलो होगी, जहां पर गामा की वैल्यू 5.3 फॉर मोनोएटमिक गैस, 7.5 फॉर डायटमिक गैस और 8/6 फॉर ट्राई और पॉलीएटमिक गैस है ना। ठीक है, लिखिए इसको। ऐसे गामा की वैल्यू याद रखने के लिए, गामा की वैल्यू भूल जाते हैं है ना, ज़्यादा याद रख नहीं पाता, तो एक फार्मूला है गामा निकालने के लिए। गामा इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या होती है, तो 1+2/f। ऐसे फिजिक्स में तो आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, गामा की वैल्यू कितनी होती है, अब जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है ना, फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ये सब चीज़ें। केमिस्ट्री में बेसिकली थर्मो केमिस्ट्री पर ज़्यादा जोर होता है, थर्मोडायनेमिक्स पर उतना जोर नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स में भी जोर होता है एंट्रोपी, एन्थैल्पी, फ्री एनर्जी पर केमिस्ट्री में ज़्यादा जोर होगा है ना, इस पर ज़्यादा अच्छे से हमें पढ़ना है। ऐसे ये जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस है, इन सब के बारे में फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। तो ऐसे गामा की वैल्यू याद रखने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो गामा इज इक्वल टू 1+2/f, जहाँ पर f क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ मॉलिक्यूल प्रोसेस एनर्जी। ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अब मॉलिक्यूल प्रोसेस एनर्जी मतलब एक मॉलिक्यूल अपने पास एनर्जी कैसे रखता है, अगर किसी कंटेनर में अगर गैस है तो गैस की मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, गैस के अणुओं के पास एनर्जी है, कैसे है? कहते हैं तो ट्रांसलेशन के कारण है, रोटेशन के कारण है, वाइब्रेशन के कारण है। तो अगर मोनोएटमिक गैस होगा, अगर सिंगल एटम वाला गैस होगा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। 3 मतलब 3 वेव से वो एनर्जी रख सकता है, कि कैसे, तो या तो सिंगल जो मोनोएटमिक गैस होता है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है। कैसे 3 होती है, तो सिंगल एटम वाला गैस का एक ट्रांसलेशन होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक ट्रांसलेशन होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक ट्रांसलेशन होगा एलॉन्ग द जेड एक्सिस के लॉन्ग। इस कारण से 3 इंडिपेंडेंट है। कि जी स्पिन भी तो कर सकता है मोनोएटमिक गैस, यस स्पिन भी कर सकता है, क्योंकि स्पिन के कारण भी उसके पास एनर्जी होगी। तो स्पिन के कारण जो एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है। तो सिंगल मोनोएटमिक गैस का अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर सॉलिड मानते हुए निकालिए, तो आई की वैल्यू आती है 2/5 mr². तो जो रेडियस होता है एटम का, जो रेडियस होता है एटम का बहुत छोटा होता है, इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होती है, जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होती है मोनोएटमिक गैस का, वो बहुत ही कम होता है। इस कारण से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब जो मोनोएटमिक गैस के पास मुख्य तौर पर एनर्जी होती है, मोनोएटमिक गैस के पास जो मुख्य तौर पर एनर्जी होती है वो किसके कारण होता है, तो ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द वाई एक्सिस और ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस।
की रोटेशन के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम, इस कारण से हम इसे कहते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं। इसे क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिंपली याद रखिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ मॉलिक्यूल प्रोसेस एनर्जी। एक मॉलिक्यूल जितने तरीके से अपने पास एनर्जी रखता है वह उसकी क्या कहलाती है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटमिक गैस कैसे एनर्जी अपने पास प्रोसेस करता है? तो ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द वाई एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटमिक गैस की कितनी होती है? 3। रोटेशन के कारण एनर्जी नहीं होगी, हाँ होगी लेकिन इतनी कम होती है कि इसको हम लोग क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। उस तरह से डायटमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 5 होती है। कि कैसे? तो डायटमिक गैस 5 तरीके से एनर्जी प्रोसेस करता है मुख्य तौर पर। कैसे? तो ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द वाई एक्सिस एंड ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस, 3 तो हो गया आपका। और एक होती है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, तो ये डायटमिक गैस, अगर मान लेते हैं ये क्या है हमारा, तो ये डायटमिक गैस है। अगर तो ये डायटमिक गैस है तो इसका अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन, या अगर डायटमिक गैस है ये, तो ये डायटमिक गैस ऐसे है, तो यहाँ पर अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन है तो ये ऐसे इसके पास एनर्जी हो जाएंगी। दूसरा मतलब मान लेते हैं कि जो एनर्जी होगी हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई बाई ओमेगा स्क्वायर और हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इसमें से एक जो मोमेंट ऑफ इनर्जी, एक का जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा, जैसे डार्टिंग मॉलिक्यूल है, तो ये ऑब्वियसली ये डार्टिंग मॉलिक्यूल कह सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, मतलब ऐसे रोटेट कर सकता है। दूसरा क्या हुआ? ऐसे रोटेट कर सकता है। और तीसरा क्या हुआ? ऐसे रोटेट कर सकता है। तो जो ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से अगर रोटेट करेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से होने से क्या होगी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसकी बहुत वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होती है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एटम के सेंटर से पास कर जाए, एटम के सेंटर से पास कर जाए तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है बहुत कम होती है। मतलब इसमें से एक का वैल्यू क्या होगा? तो ऑलमोस्ट 0 होगा। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटमिक गैस की 5 होगी। कैसे 5 हुई? तो एक ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक ट्रांसलेशन अलोंग द वाई एक्सिस, एक ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस। और रोटेशन के कारण एक ओब्वियसली एक आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ पर आई एक्स लीजिए चाहे आई बाई लीजिए चाहे आई जेड लीजिए, मतलब दो रोटेशन के कारण होगा। और एक जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, एक एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होती है? तो 0 हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है किसके लिए, तो डायटमिक गैस के लिए 5 होता है, जबकि ट्राई और पॉलीएटमिक गैस होगा उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 6 होती है। मतलब कैसे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है? तो जो अगर ट्राई और पॉलीएटमिक गैस, उसके पास जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द वाई एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस और रोटेशन अलोंग, अगर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस हो सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस हो सकता है, तो उसके कारण एनर्जी होती है। तो उतना तो अभी आप पढ़े नहीं होंगे, तो 11th में है, उतना डिटेल अभी आप पढ़े नहीं होंगे, ये कोरोना के चलते तो और आपका छूटा हुआ रोटेशन मैकेनिक्स है ना, तो ऐसे ही आपको फिजिक्स में फिर से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो जैसे अभी इतना ध्यान रखिए कि गामा की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या? तो 1+2/8।